हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ एसएससी जेई 2023 की। आंसर की आ चुकी है और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है डिपार्टमेंटल वाइज, क्योंकि वीडियो में कमेंट आ रहे थे सर डिपार्टमेंटल वाइज भी बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैंने एक ओवरऑल कट ऑफ बनाई थी, उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कट ऑफ बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 2024 के लिए जो भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ अप्रोक्सीमेटली 4000 प्री के क्वेश्चन और 4000 मेंस के क्वेश्चन, वो भी मार्च तक, 15 मार्च तक कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद रिवीजन करेंगे, हम क्वेश्चन कराऊँगा, थ्योरी भी कराऊँगा उसमें। ओके, जिसकी मुझे ज़रूरत होगी कि थ्योरी करानी है, क्योंकि प्री निकालने का बहुत एक्सपीरियंस है। 3 टाइम्स प्री क्वालिफाइड हूँ, DSSB क्वालिफाइड हूँ और राजस्थान जेई क्वालिफाइड हूँ, बहुत सारे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। कैसे निकालने हैं वे मैं आपको सब बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ओके, कट ऑफ के बारे में मोस्टली बच्चों के नंबर जो हैं 300 से 310 के बीच में आ रहे हैं। ओके, सिविल की बात करेंगे इसमें, ना किसी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करेंगे, सिविल की बात करते हैं। जो जनरल की कट ऑफ होगी, एक मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, अगर जनरल में इतने मार्क्स हैं तो आपका किसी कोई सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, लोअर मानेंगे BRO को। ओके, 320 से 325 इसी रेंज में आपका BRO जनरल का सिमट जाएगा और इसी रेंज में आपका CPWD भी सिमट जाएगा। इस बार कट ऑफ जो है ना तो ज़्यादा वेरी होगी BRO और CPWD की। देखो, आप कुछ सोचो कि एक बच्चे के मार्क्स 313 हैं, उसकी रैंक 1000 के करीब है, पोस्ट कितनी है 1195, तो जनरल की कट ऑफ 313 तो जाएगी नहीं। सिंपल सी बात है, 313 तो जाएगी नहीं जनरल कट ऑफ, क्योंकि इसकी रैंक कितनी है 1000। और एक 319 वाला बच्चा है, उसकी रैंक है 780। ओके, 780, तो यहाँ जनरल की कट ऑफ लाइज कर सकती है, यहाँ भी लाइज नहीं करेगी। CPWD में कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी वैकेंसी है 497, इतनी वैकेंसी है 497। अब जिसके 319 है उसकी रैंक कितनी है, खुद सोचना आप, उसकी रैंक कितनी है 784। अब जब जनरल की कट ऑफ लगाई जाएगी तो 319 से ऊपर जानी चाहिए। ओके, तो CPWD के लिए 330 नंबर होने चाहिए आपके, 330 नंबर होने चाहिए CPWD के लिए, और BRO के लिए होने चाहिए 320 से 325। ओके, तो BRO के लिए जो है 320 से 325 जर्नल की कट ऑफ होगी। ओके, OBC की बात करते हैं, OBC की CPWD के लिए बात करेंगे, ये तो BRO के लिए है, BRO के लिए जर्नल की। OBC की बात करते हैं तो 316 से 320, और CPWD की बात करें OBC के लिए तो 300 CPWD के 320। इसी तरह से 4-4 नंबर आप इंक्रीज डिक्रीज कर लेना BRO में SC ST के लिए। ओके, 4-4 नंबर डिक्रीज कर लेना, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। तो CPWD मैं यहाँ लिख देता हूँ और BRO यहाँ लिख देता हूँ। ओके, UR OBC SC
SC ST यहाँ 330, यहाँ 323 अच्छा और यहाँ 320। यार, मैं तो नहीं बीआरओ जाना। में, बीआरओ में यहाँ लिखेंगे आ हम, जाना उसे बुक बीआरओ करने में में। हाँ हम, बीआरओ में बात करेंगे 320, 316, यहाँ 25 करते हैं, यहाँ 320, यहाँ 312 से 316। EWS इनके बीच में रख लेना, EWS को। ओके, ये पूरी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 10 दिसंबर से। जय हिंद, जय भारत।